नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजी तो उसके बाद नामांकन दाखिल किया जा रहा है। अगर बात करें मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इसका इतिहास अपने आप में एक जो है गौरवशाली है। साथ ही अगर बात करें तो मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आज नामांकन दाखिल करने जिस तरीके से यशपाल सिंह सिसोदिया आए थे, उनकी महारैली थी और रैली का काफिला आपने हमारे चैनल पर वॉइस ऑफ एमपी पर लाइव देखा होगा। साथ ही अगर बात करें कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जो है यशपाल जी को अपना जननेता मानते हैं, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा 365 दिन रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अंत्योदय के पक्ष को लक्ष्य को लेकर लगातार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए विकास करती है और हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर परिवार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। उसी विकास के उत्साह को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज मैदान में उतरी है और हर कार्यकर्ता आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मानकर आज नामांकन दिल्ली में यहाँ पर पहुंचा है। अब की बार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। कार्यकर्ता में उत्साह है और उस उत्साह के साथ मतदान में जिस प्रकार से ईवीएम में जाएंगे तो मतदान में जिस प्रकार से परिणाम आएगा, उत्साह और उमंग के साथ परिणाम आएगा। क्या मानते हैं उत्साह कांग्रेस में भी देखने को मिला, उधर रैली थी वो आयोजित लोग थे बाहर से, विधानसभा के बाहर के लोग बुलाए गए थे और ये मंदसौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इतना अंतर है। कांग्रेस भी कह रही है कि उधर भी जो लाए हुए लोग थे, क्या कहेंगे? एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे हमारे सारे गांव के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, अभी जनता आने बाकी है। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, जोरदार उत्साह है और विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने और विकास के माध्यम से आज जो लोग आप दिख रहे हैं ये सभी विकास के कारण दिखे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धरातल पर काम किया है। शून्य से मृत्यु से लगा के जन्म से लगा के मृत्यु तक की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और विकास किया है। तो आज हजारों लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ माननीय विधायक महोदय की इस नामांकन रैली में आ रहे। मैं सभागढ़ा से हूँ। गांव में कैसा माहौल है? गांव में एक तरफा माहौल है और गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और गांव में दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को बूथ पे हम विजय श्री दिला के रहेंगे। क्या कहेंगे आप, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत। इसका कारण क्या है? विकास। ऐसा कौन सा विकास किया? बहुत विकास। रोड ले ले, आप 1200 रुपए आ रहे, महिलाओं के 3000 आने वाले हैं। कांग्रेस डाल रही है, वो तो झूठ बोलते हैं। विकास क्या है? बीजेपी आएगी, अच्छा जुटे जुटे ऐसे करते अभी तक हमारे खुद भी चले गए बाप किए का किए क्या कहेंगे? भाजपा ने खूब विकास किया है, कांग्रेस ने धोखा दिया है। कांग्रेस ने बोला था कि किसानों का कर्जा माफ करेगा, आज दिन तक कर्जा माफ नहीं हुआ और उनका बीमा भी नहीं आ पाया उस कर्जे माफ नहीं होने के कारण। और आज जो विकास की बात कर रहे हैं आप जहाँ खड़े हैं सामने कलेक्टर ऑफिस है, 10 करोड़ की लागत से बना है, 8 करोड़ की बिल्डिंग है ये सामने आपके खड़ी, 10 करोड़ का विकास तो यही हुआ। ये 4 लाइन रोड बना, ये आपके सामने विकास है, आप जहाँ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना विकास किया वो जन समर्थन जो नजर आ रहा ना आपको मंदसौर शहर में, जो जनसेवा उमड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के विकास के कारण उमड़ा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार और यशपाल सिंह सिसोदिया विधायक के नेतृत्व की सरकार ने इस मंदसौर में चहुमुखी विकास किया, प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को पानी, खाद, बिजली मुहैया करी, उसके किसान गाँव से उमड़ कर आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की लाई गई भीड़ नहीं है, ये स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन भराने के पत्र भराने के लिए मंदसौर मंत्री जी बनेंगे। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या करेगा? मंत्री हम तो विधायक बनाकर भेजेंगे यहाँ से। मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन का है और सरकार का। कार्यकर्ता उत्साह तो है इस बात का जबरदस्त। हमारे विधायक 51,000 नेता को लेकर आज जिस तरह नामांकन दाखिल किया गया यशपाल सिंह सिसोदिया का, तो तमाम जो कार्यकर्ता है जो यहाँ पर युवा है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर काफिला मौजूद है। साथ ही अगर बात करें तो मंदसौर की जिस तरीके से बात करें तो सामने से युवा नेता कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है जिन्हें यहाँ पर उतारा गया। साथ ही दूसरी बात करें तो जो मजे के खिलाड़ी है यहाँ पर यशपाल सिंह सिसोदिया, वो चौथी बार यहाँ पर जो मैदान में उतारा, जो हाईकमान इनके ऊपर जो फैसला किया उसे लेकर वे यहाँ पर मैदान में, जो काफिला यहाँ पर
देखने को मिला, जिस तरह का उत्साह यहाँ पे देखने को मिला, जो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसे देख सकते हैं, कितने बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता उस झंडे को लेकर आए और उसके बैनर तले नीचे जो है तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुटता यहाँ पे देखने को मिली। जिस तरीके से अगर बात करें तो मेरे सहयोगी शिकारी मेरे साथ मौजूद है जो तमाम अपडेट आपको दिखा रहे हैं और साथ आते हुए उत्साह यहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं, कितना उत्साह है। हम बात करेंगे और ये महिला नेत्री भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे महिला नेत्रियों को किस तरीके से यहाँ पर अब की बार चौथी बार क्या कहेंगे, अब की बार चौथी बार, अब की बार चौथी बार और आगे भी भाजपा सरकार। ऐसा क्यों? क्योंकि विकास किया है और जनता को विश्वास है कि विकास करेगी तो भाजपा की सरकार ही करेगी, हर वर्ग के लिए काम करेगी तो भाजपा की सरकार करेगी। तो इतनी जो ये भीड़ थी ये कहाँ से निकली, कहाँ से निकली के भाजपा की समर्थक है? ये कांग्रेस की भी तो थी, कांग्रेस की जो नीनी चुनी थी मुझे तो इतनी दिखी नहीं, आपको दिखी होगी, मुझे तो भाजपा ही भाजपा दिखी। क्या कहेंगे आप? भाजपा विजय भाजपा। क्या कहेंगे आप? भाजपा सबकी बार चौथी बार, पांचवी बार भी अभी से अभी से ही इतना विश्वास है। देखा आपने महिला और कार्यकर्ताओं में भी जो एक बड़ा उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अब की बार चौथी बार के नारे लग रहे हैं, साथ ही यूथ यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, जो यशपाल सिंह सिसोदिया जो जननेता यहाँ के हैं उनके समर्थन में यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और जिस तरीके से नामांकन दाखिल अंदर किया जा रहा है, उसके बाद वे बाहर आएंगे, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से जो है आज की जो उत्साह यहाँ पे देखने को मिला उसे लेकर उनकी क्या राय है। मेरे सहयोगी शिकारी के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।